छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने शहर के सिनेमा घर पर कश्मीर फाइल्स मूवी का चैरिटी शो कराया, जिसमें कॉलेज के 500 स्टूडेंट्स को फ्री में द कश्मीर फाइल्स मूवी दिखाई गई। आयोजकों का उद्देश्य है कि देश के युवा को सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। मूवी के माध्यम से देश के युवा जान पाए कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। वहां से कश्मीरी पंडितों को तलवारों और बंदूकों के दम पर उनके घर से निकाला गया और सरकार द्वारा पिछले 32 सालों से यह सच्चाई देश से छुपाई गई। मूवी को लेकर युवाओं में इतना उत्साह था कि 300 सीट की क्षमता वाले हॉल में ज्यादा सीट लगाकर 500 स्टूडेंट को दिखाना पड़ा। आयोजक समिति के सदस्य धीरज शर्मा व सरद ठाकुर ने मूवी के महत्व की जानकारी स्टूडेंट्स को दी और साथ ही यह भी बताया कि इस मूवी को क्यों बनाया। मूवी की शुरुआत और एंडिंग में पूरे हॉल में भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे गूंजे। दर्दनाक तरीके से अत्याचार करके जो निकाल दिया गया था अपने ही देश में कश्मीर से और भागने को मजबूर हो गए थे। कई लोगों को मार काट दिया गया था, यहाँ तक कि दो मुझे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। इस विषय में यह फिल्म बनी है, इस डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ। 32 साल तक पूरे देश के लोगों को ये सच्चाई छुपी रही। इसी प्रयास के कारण हम लोगों ने तय किया कि बालोद की यूथ जो कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको ये पता चलना चाहिए। इसलिए हमने एक चैरिटी शो बिल्कुल मुफ्त रखा। उम्मीद से बहुत ज़्यादा है और इस फिल्म को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस देश में जो 32 साल से छुपाया गया था, दबाया गया था, जो मरे हुए थे, कटे हुए थे, उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। इस फिल्म को देख के कईयों के आंसू निकल गए। मेरा नाम दामिनी यादव है, आई एम फ्रॉम बालोद और ये मूवी थी द कश्मीर फिल्म्स। और इस मतलब ये मेरा मानना ये है कि जैसे मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो ये मूवी के ज़रिए मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, सो इसमें कुछ बताया गया है और ये मूवी देखना चाहिए। और कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, वहाँ जो पाकिस्तानी जो हमला वगैरह करते थे वो सब के बारे में बताया गया। फिल्म के माध्यम से कश्मीर का सच पूरा दुनिया के सामने आया है। आज इसी कड़ी में हमने बालोद की यूथ, खासकर छात्र वर्गों को इसके लिए आमंत्रित किया था, जिसमें 19 से ज्यादा संख्या में यहाँ पर हमारे यूथ देखने के लिए आए हैं। खिलावर चंद्रकार के